नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा NCERT में। तो आज हम रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचाते हैं तो बी की आय ज्ञात करिए। तो आपको मालूम है कि जितना इनकम होता है, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो सेविंग मिल जाता है। यानी कि जितनी हमारी आय होती है उसमें से अगर व्यय को माइनस कर दे तो हमारा जो बचत मालूम हो जाता है, या फिर इनकम में से सेविंग को माइनस कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर मालूम हो जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे इनकम। इनकम का जो रेशियो है यहाँ पे हमको लिख लेना है 5:7। अब जिसको माइनस करना है, जैसे इनकम से हमको माइनस करना है एक्सपेंडिचर, यानी कि आय से व्यय को माइनस करेंगे तो सेविंग मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं 5:7। अब इसमें से जो माइनस करना है, अगर व्यय को माइनस करना है तो व्यय लिख लेंगे, मतलब कि ये एक्सपेंडिचर नीचे लिख लेंगे। ये 3:5 का रेशियो है, 3:5। अब अगर इसमें इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करते तो सेविंग मिलता है, यानी कि यहाँ पे इससे इसको माइनस करने पे सेविंग मिलेगा। सेविंग है, बोल रहा है इसमें कि यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचाते हैं, यानी कि ये जो है ये भी 1500 बचाता है ए, और बी जो है ये भी 1500 रुपये बचाता है। अब क्या करना है, अब हमको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करना है और इसको इससे करना है। तो 5 × 5 = 25 माइनस 7 × 3 = 21। 25 − 21 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 × 5 माइनस 1500 × 3। अब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें से अगर 1500 कॉमन ले लें हम तो 1500 × ये 5 − 3 हो जाएगा, यानी कि 2। तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 × 2 / 4, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 1500/2। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 750। तो हमको क्या पूछ रहा है, बी की आय ज्ञात कीजिए। तो बी की कितनी है, बी की आय ये 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू क्या कर देंगे, तो बी की आय हो जाएगी, बी की इनकम 7 × 750, ये हमारा हो जाएगा 0.5250। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये दिया है क्वेश्चन में, एक संस्था में कला और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 5:8 है। यदि 150 विद्यार्थी कला संकाय में और 80 विद्यार्थी विज्ञान संकाय में शामिल हो जाते हैं तो क्रमशः अनुपात 3:4 हो जाता है। मुख्यतः दोनों संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संस्था में विज्ञान पढ़ने वाले और कला पढ़ने वाले का विद्यार्थियों का जो रेशियो वो दिया है 5:8। देखिए, ये कला पढ़ने वाला है और ये साइंस पढ़ने वाले हैं, इनका रेशियो है 5:8। अब बोल रहा है कि यदि 150 विद्यार्थी कला में, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 150 विद्यार्थी इसमें आ जाते हैं और 80 विद्यार्थी विज्ञान संख्या में, मतलब 80 प्लस इसमें हो जाते हैं, तो ये रेशियो कितना बन जाता है, ये रेशियो जो कला और विज्ञान का है 3:4 बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू को माइनस करना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो जैसे अगर टोटल स्टूडेंट है 5:8 में, और इसमें हम अगर ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये मिल के आ जाएगा ना, हमको मिल जाएगा, यानी कि 5 और 8 रेशियो में स्टूडेंट हैं, अगर इनको 3 और 2
तीन और चार के रेशियो में माइनस करेंगे तो ये जो आर्ट वाला है और ये साइंस वाला है, आर्ट से ये वाला रेशियो माइनस कर देंगे तो 150 स्टूडेंट जो प्लस हुए थे वो हमको फाइंड हो जाएगा। यानी कि इस रेशियो से इस रेशियो को माइनस करेंगे 3:4 को, तो आर्ट वाला 150 प्लस था तो ये 150 नीचे रहेगा, और 80 इसमें साइंस में प्लस है तो ये प्लस 80 यहाँ पे कर देंगे। अब इसमें हम आराम से माइनस कर सकते हैं क्रॉस मेथड से, इसका इसमें क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें करेंगे, तो 8 × 3 = 24 माइनस 5 × 4 = 20, तो यहाँ पे आ गया 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 15 × 4 = 60 ही हो गया, 600 माइनस 3 × 8 = 240, 240। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 60, और 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 90। अब पूछ रहा है कि दोनों संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, मतलब दोनों संकाय आर्ट वाला और साइंस वाला, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 90 आ गई, तो पूछ रहा है ये टोटल, पूछ रहा है आर्ट और साइंस दोनों का टोटल है 8 और 5 13 यूनिट, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 90, 13 × 9 = 117, 1170, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की मासिक बचत 5,000 है तो बी की मासिक आय कितनी है। तो मैंने बताया था कि जो आपको माइनस करना होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, जैसे आय इसमें इनकम, इनकम का जो रेशियो है ऊपर लिख लिए यहाँ पे 2:1, एक्सपेंडिचर जो मतलब व्यय खर्चे का अनुपात है 5:3, इसको नीचे लिख लिए एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3। अब बचत है, इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमारा बचत मिलता है, सेविंग मिलता है, यानी कि सेविंग कितना होगा। लेकिन सेविंग हमको पता नहीं है, सेविंग में ये दिया है कि सेविंग जो है 4:1 के रेशियो में बचत करते हैं, यानी कि 4:1 के रेशियो में बचत करते हैं, और ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों की मासिक बचत 5,000 है, यानी कि ये ए की वैल्यू है, ये ए और बी है, ए की वैल्यू इतनी है और बी की वैल्यू इतनी है, मतलब टोटल इनका 4:1 रेशियो इन दोनों का सम दिया है 5,000 है, दोनों की मासिक बचत 5,000 है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। अब हमको यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये ए की बचत है 4,000 और जो बी की बचत कितनी हो जाएगी, 1,000। अब हम आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं इसमें। अब देखिए ये 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 × 3 = 6 माइनस 1 × 5 = 5, ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 4 × 3 = 12, 12,000 माइनस 5 × 1,000, 5,000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 7,000 रुपये। तो क्या पूछा है इसमें, बी की मासिक आय मतलब इनकम बी की कितनी है, तो बी की इनकम और एक इनकम का रेशियो 2:1 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि मेरा आंसर ही बी की आय कितनी हो गई, बी की आय हो गई 7,000 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि 5 विद्यार्थी और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती
तो यह अनुपात 22:3 होता है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। तो सबसे पहले हम पास और फेल का जो रेशियो है वो लिख लेंगे, पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट, इनका रेशियो है 25:4। अब क्या हुआ कि जो है इसमें पांच स्टूडेंट अगर ज़्यादा होते और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या 2 कम होती तो ये रेशियो 25:4 से 22:3 का रेशियो हो जाता। मतलब ये रेशियो नीचे लिखी है यहाँ पे 22:3। अब देखिए, अब हमको ये ध्यान देना है कि पांच विद्यार्थी एक्स्ट्रा अगर एग्ज़ाम देते, जैसे एग्ज़ाम में बैठने वालों की संख्या क्या होती है, अगर हम बात करें कि टोटल एग्ज़ाम में बैठने वालों की संख्या होती पास जितने स्टूडेंट होते हैं वो और फेल जो होते हैं वो, मतलब टोटल जो होता है टोटल स्टूडेंट बराबर जितने पास होंगे और जितने फेल होंगे वो दोनों को अगर प्लस कर दें तो टोटल मिल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं पांच विद्यार्थी और अधिक ने परीक्षा दी होती, यहाँ पे अगर टोटल में पांच अगर एक्स्ट्रा होता और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, अगर ये फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो पास होने वाले में क्या फ़र्क आता। टोटल में अगर पाँच का इंक्रीमेंट हो रहा है और फेल में 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पास होने फिर तो पास होने वालों की संख्या प्लस का 7 होती, +7 होती, तभी तो +5 होता, +7 होता और -2 होता, तभी तो टोटल में 5 का फ़र्क आता। यानी कि पास होने वालों की संख्या +7 है और फेल होने वाले की संख्या -2 है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख लेंगे, पास होने वालों की संख्या के नीचे +7 और फेल होने वालों के नीचे -2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 22 × 4 88 -25 × 75 ये कितना हो जाएगा, 3 1 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसमें से अगर ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, तो 22 × -2 -44 और -7 × 3 -21। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, -65। मतलब माइनस तो होगा ही नहीं, स्टूडेंट जो है जो भी नंबर स्टूडेंट का नंबर माइनस में तो कभी होगा नहीं। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 65/13, ये हो गया 5। अब हमको क्या निकालना है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, परीक्षा में बैठने वाले कितने हैं, ये 25:4 एग्ज़ाम में पास हो, ये 25:4 दिया है पास और फेल का, यानी कि टोटल दिया है 25 और 4 29, 29 यूनिट की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 29 की 29 × 5 ये 145, यही हमारा आंसर होगा। यही पूछ रहा है ना, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो परीक्षा में टोटल बैठने वाले शुरू में कितने थे, शुरू में 25 और 4 के रेशियो में थे, यानी कि 25 और 4 29 यूनिट थी और एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 29 यूनिट के लिए 145, ये आंसर हो जाएगा हमारा।